निकल चुके हैं और वेदर को देखिए कितना खूबसूरत है। और चौक का अवस्था खूब ही खराब है। माय चैनल आई एम शिल्पा। आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे हैं। तो मैंने बताया था अगले दिन के व्लॉग में कि आज सुबह मैं जाने वाली हूँ मिमी के घर। तो मिमी के घर क्यों जाने वाली हूँ ये तो आप लोगों को पता ही होगा थोड़ा बहुत। तो मैं तो रेडी हो चुकी हूँ सुबह सुबह उठ के, और ये ड्रेस पहना है क्योंकि वहाँ पे जाकर मैं सोच रही हूँ ड्रेस चेंज करूँगी। और हम लोग निकलने ही वाले थे कि बारिश निकल गया। अच्छा ही हुआ कि घर पर रहते रहते ही बारिश हो रहा है। बहुत डर लग रहा है कि उतना दूर जाऊंगी तो अगर भीग जाऊंगी तो क्या होगा नहीं होगा। और हाँ क्या कहती हूँ, हाँ और हम लोग क्यों जा रहे हैं आप लोगों को पता है। आज है मतलब मैंने कहा था मेरी मौसी सास की मतलब मौसी क्या कहें मेरी मौसी सास जो है उनकी सास मतलब नानी हुई मेरी अरजीत की मासी की सास यानी हम दोनों का ही नानी। तो उनका एक साल पहले देहांत हो गया था। तो उन्हीं के डेथ एनिवर्सरी में आज होता है ना बछड़ की होता है जो, तो वही है आज। तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। तो आज बछड़ की है, जिस साल मतलब उनका डेथ हुआ था उस साल हम लोग नहीं जा पाए थे। अगले साल उस टाइम पूजा था और पूजा के टाइम पे मतलब अरजीत को ड्यूटी उतना भी छुट्टी नहीं मिलता क्योंकि सब कोई जाते हैं। तो हम लोगों का घर उसके ऑफिस से सामने ही है तो उसको छुट्टी मिलता है लेकिन हाफ टाइम के बाद। हम लोग घूमने जाते हैं लेकिन पूरा दिन का छुट्टी नहीं मिलता है, कहीं जाना ही आना तो छुट्टी लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए वो नहीं जा सका था, लेकिन इस साल हम लोग जा रहे हैं। इस साल तो पूजा है 20 अक्टूबर, तो अभी बहुत लेट है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। और हाँ मत सोचना कि मतलब श्राद्ध अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है श्राद्ध वाली ब्लॉग वो ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ मौसी साथ के घर जा रही हूँ इसलिए मैं वीडियो कर रही हूँ। आप लोगों को दिखाना है कि मेरी मौसी सास का घर कैसा है, आप लोगों को कभी नहीं दिखाया। मैं खुद जा रही हूँ 1.5 साल या फिर 2 साल बाद, उतना कहीं पे मैं नहीं जाती हूँ। तब मैं स्कूल में काम करती थी तो इसीलिए कहीं जाना नहीं होता था, छुट्टी नहीं मिलता था मुझे भी। लेकिन अभी तो मैं एकदम फ्री हूँ तो मेरा छुट्टी जिसे कह सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग तो जा तो रहे हैं। और एकदम आप लोग बुरा मत समझना कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, ऐसा जज मत करना क्योंकि मैं जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए ये व्लॉग करूँगी। और क्या, और मैं देख रहे हैं इतना रेडी हुई हूँ क्योंकि बारिश गिरा है। मुझे पता है अगर एकदम सिंपल जाऊँगी ऐसे ही पेतनी हो जाऊँगी जिसे कहते हैं, और इसलिए मैंने थोड़ा सा सर सवर लिया है, कुछ भी नहीं लगाया, एक नॉर्मल क्रीम लगाया है जैसा मैं समझती हूँ वैसा ही। और हाँ एक एक बात, ये रेडी होने में मतलब गेट रेडी विथ मी मैं शूट कर रही थी तो मैंने सब कुछ सेटअप कर लिया, मैं रेडी भी हो गई। लेकिन बाद में मैं देख रही हूँ मैंने कैमरे का मतलब कैमरा ही ऑन नहीं किया, वीडियो स्टार्ट ही नहीं किया। मतलब इतना गुस्सा आ रहा था ना तब, मुझे खुद पे क्या बताएं, बहुत बुरा लगा कि मैं कैमरे के सामने देख देख के अच्छी तरीके से वीडियो का मतलब जो होता है वैसा दिखा दिखा के अच्छी तरीके से मैं शूट कर रही थी। लेकिन बाद में जब मैं रेडी हो गई वीडियो देखने के लिए तो देखा वीडियो तो स्टार्ट ही नहीं था। छोड़ो जो भी हो, अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। मैं सोच रही हूँ कौन सा जूता पहन के जाऊँ, बाहर बारिश भी गिर रहा है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। और हाँ आप लोगों को दिखाया नहीं था अरिजीत का शूज, वो देखो वहाँ पे है, ये देखो अच्छी तरीके से मैं दिखाऊंगी। और घर को एकदम इग्नोर करना, एकदम मैसी हो गया है घर, फिर से मुझे समेटना पड़ेगा सब कुछ आके। तो चलो अगर जब निकलूंगी तब आप लोगों के साथ फिर से बात करती हूँ। अगर बारिश हुआ तो फोन तो मैं ही निकालूंगी, अगर बारिश थम जाता है तो आप लोगों के साथ डेफिनेटली बात करूंगी। तो मिलती हूँ बाद में।
जा रहे हैं। आप लोग को सुन पा रहे होंगे कि मुझे नहीं पता। आज का वेदर देखिए आप लोग कितना खूबसूरत है, मतलब लॉन्ग ड्राइव जाने के लिए एकदम परफेक्ट वेदर है। और आज ही के दिन हम लोग मौसी के घर जा रहे हैं, मतलब मौसी सास के घर। तो हो गया क्या, एक तीर से दो निशान है, लॉन्ग ड्राइव भी हो रहा है और उसके साथ मौसी सास के घर भी जा रही हूँ। और बहुत मज़ा आ रहा था इस वेदर में बाइक पर लॉन्ग ड्राइव जाने में। वर्धमान से घुसखोरों की तरफ या फिर तारापीठ रामपुरहाट जो भी कह लो उस तरफ जाना पड़ेगा अगर बाइक से, तो हम लोगों को तालीद गेट जो है रेल गेट वो क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ पे रेल गेट अभी बंद है क्योंकि अभी ट्रेन क्रॉस होगा इसीलिए। और यहाँ पे कितना ज़्यादा लाइन हुआ है देखिए, सारे गाड़ी यहाँ पे खड़े हुए हैं और हम लोग भी खड़े हुए थे। तो हम लोगों ने सोचा चाय पी लेते हैं यहाँ पे, और जितने चाय पिया था और उसके साथ खाया था उसने चॉप, और मैंने भी एक चॉप खाया था। और ये देखो यहाँ से जा रहा है मालगाड़ी, और भी बहुत सारी ट्रेन गया था लेकिन मैं वीडियो करना भूल गई हूँ। अभी मालगाड़ी को ही अपने कैमरे में कैप्चर कर रही हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं। यहीं पे है रेल गेट, तो हम लोग थोड़ी ही दूर पे खड़े हुए हैं, स्कूटी है तो जल्दी जल्दी चले जाएंगे। बहुत टाइम तक वेट करने के बाद फाइनली हम लोगों ने तालीद का रेल गेट क्रॉस किया है। उससे तो गिनीज वर्ल्ड बुक पे नाम होना चाहिए, इतना ज़्यादा भीड़ होता है वहाँ पे, क्या बताएं। बहुत सारे गाड़ी वहाँ पे खड़े हुए थे और हम लोग भी खड़े हुए थे। और ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी, आप लोग मेरे साथ इस राइड को इन्जॉय कीजिए, इस मतलब वेदर को इन्जॉय कीजिए। फाइनली हम लोग घुसखोरा पहुंच चुके हैं और सामने ही है मेरी मिमी के घर। और ये देखो सामने से कौन जा रहा है, मेरे बापी जा रहे हैं। दुकड़ो दिखाते हैं, ये जो ग्रीन कलर का शर्ट पहने हुए हैं वही है मेरे बापी। तो वो चल के कहीं गए थे, शायद बाजार बाजार गए थे, इसीलिए अभी घर वापस आ रहे हैं। और ये जो पिंक कलर का घर है यही घर है मेरी मौसी सास का, ये जो पंडाल हुआ है ये वाला घर है मेरी मौसी सास का। तो चलो अंदर जाते हैं, फिर आप लोगों के साथ बात करती हूँ। हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और पानी भी खा लिया है, मतलब मिठाई खा लिया है। और बहुत बारिश हो रहा था और धूल भी था इसलिए फेस एकदम डल हो गया है, तो इसीलिए मैं अभी फेस वॉश कर लूँगी। फिर सोच रही हूँ साड़ी को साड़ी पहनूँगी, ये वाला ड्रेस चेंज करूँगी क्योंकि ये भीग चुका है पूरा। तो चलो रेडी हो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ। फाइनली मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, मैंने साड़ी पहना है अभी। और अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे घर पे, जो नया वाला घर हुआ है वहीं पे जा रहे हैं हम लोग। ये है मेरी मौसी सास की सास। अभी हम लोग आए हैं मौसी सास के नए घर में, जो घर नया हुआ है। नीचे का फ्लोर सिर्फ कंप्लीट हुआ है, बाकी दोनों फ्लोर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और नीचे के दोनों फ्लोर में ही सारा काम हो रहा है, तो यहीं पे सब काम हो रहा है। और यहाँ पे मैं और अरिजीत ऐसे बैठे हुए थे क्योंकि सब कोई काम कर रहे हैं, और मुझे ना ऐसे बहुत अनईजी फील होता है इतने लोगों के बीच में। और यहाँ पे जो पिक्चर आप लोग देख पा रहे हैं यही है मेरी मौसी सास की सास, जिनकी डेथ एनिवर्सरी पे हम लोग आए हैं। और क्या कहें, इनके साथ मेरी एक बार ही मुलाकात हुई थी। बाप रे रोद उठे गलो, इखाने हल्का पिंक कलर है इतना। अच्छा এগুলো তো আমার বাড়ি ছিল না, ওইটা দিয়ে আসা যাবে না। ও না না, এই রাস্তাটা দিয়ে। আচ্ছা এই বাড়িগুলো তখন ছিল না, বেশি ধারে যাব না। ইমা ওই বুদ্ধ ওখানে মূর্তিটা আমি খেয়ালই করিনি এতক্ষণ ধরে এসেও। কোন মূর্তিটা? কোন ও ওই তো জলটার ওখানে। আচ্ছা बहुत रोड। ये बैठो देखो।
तो मम्मी लोगों का प्रोग्राम दोपहर में ही था, सारे लोगों को दोपहर में ही खाना खिलाएंगे, भोज जिसे कहते हैं, दोपहर में ही था। और ये जो सामने आ रहे हैं, ये है मेरी ननंद की सास और ये जो पीछे है ये है मेरे मामा ससुर। और ये है मेरी छोटी ननद की इकलौती लड़की और ये है मेरे बने ननद का लड़का। फिर हो गया था लंच टाइम, लंच पे मतलब सारे लोग खा लिए थे, फिर हम लोग मतलब घर के मेंबर सारे बैठे हुए थे। तो लंच पे था पहले था पनीर पसंदा और सलाद सॉस ये सब कुछ दिया था, फिर बहुत सारे चीज़ें दिए थे, रुई पोस्तो ना हाँ रुई पोस्तो पोटल चिंगड़ी छेचड़ा चटनी पापड़ बहुत सारा खाना था जो मैं अच्छे तरीके से वीडियो नहीं कर पाई, खाने में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गई थी। तो सबके साथ बैठ के खाते खाते बात भी कर रही थी इसीलिए ज़्यादा वीडियो मैं नहीं कर पाई, थोड़ा बहुत जितना दिखा सकी वही आप लोग देख लीजिए। और ये जो चटनी था बहुत ही टेस्टी था खाने में। फाइनली हम लोगों का खाना हो गया है, आधा और खा के उसके बाद मैंने तो आप लोगों को नहीं दिखाया था कि क्या क्या था खाने पे, जो भी हो बहुत टेस्टी खाना था। और अभी हम लोग आए हैं जिस रूम पे मम्मी मतलब मम्मी मिमी का मतलब मैं अपनी मामी सास मौसी सास को मिमी कहती हूँ, तो मिमी का घर है उसी घर में आए हैं। वो वाला तो नया हो रहा था, उसी घर में सब कुछ हुआ है, खाना वाना खिलाया गया है, लेकिन अभी हम लोग इस घर में हैं। और अरिजीत और मेरा जो देवर है वो गया है थोड़ा सा बाहर ऐसे ही कैजुअली घूमने के लिए। अभी मैं यहीं पे हूँ, अभी थोड़ा सा रील्स वील्स बनाऊँगी, फिर मैं ये साड़ी चेंज कर लूँगी। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। हाँ तो ये है मेरी बड़ी ननद का लड़का, इसका नाम है चीकू। आप लोगों को मिलाया, ये है चीकू, इसके पैर में लग गया है इसलिए ऐसे चल रहा है ये। ये तीनों मेरी भांजी है, बाईं तरफ की जो लड़की है ये है मेरी बड़ी ननद की लड़की और बाकी दोनों है मेरी मझली ननद की लड़की। और ये रहा उन लोगों का एक्वेरियम, यहाँ पे बहुत सारे फिश हैं।